दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। गुटेन टाग। सबसे पहले मैं चांसलर सोल्ज और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि पिछले दो वर्षों में हमें तीसरी बार भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिला है। भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की व्यापकता का अनुमान आप पिछले दो तीन दिन की गतिविधियों से लगा सकते हैं। आज सुबह हमें जर्मनी के एशिया पैसिफिक बिजनेस जगत की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का अवसर मिला। मेरे तीसरे कार्यकाल की पहली आईजीसी मीटिंग अभी कुछ देर पहले संपन्न हुई है। अभी हम सीईओ फोरम की बैठक से आ रहे हैं। इसी समय जर्मन नौसेना की शिप गोवा में पोर्ट कॉल कर रही है और खेल जगत भी पीछे नहीं है। हमारी हॉकी टीमों के बीच फ्रेंडली मैच भी खेले जा रहे हैं। साथियों, चांसलर सोल्ज के नेतृत्व में हमारी भागीदारी को एक नया मोमेंटम और डायरेक्शन मिला है। जर्मनी की फोकस ऑन इंडिया स्ट्रेटेजी के लिए मैं चांसलर सोल्ज का अभिनंदन करता हूं। इसमें विश्व के दो बड़े लोकतंत्रों के बीच पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मॉडर्नाइज और एलिवेट करने का ब्लूप्रिंट है। आज हमारे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रोडमैप लॉन्च किया गया है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर भी सहमति बनी है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बल मिलेगा और सिक्योर, ट्रस्टेड और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन्स का निर्माण करने में भी मदद मिलेगी। साथियों, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज पर बनी सहमति इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न की गई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी से आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने में हमारे साझा प्रयास सशक्त होंगे। ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के साझा कमिटमेंट पर दोनों देश निरंतर कार्यरत है। आज हमारी ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए हमने ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पार्टनरशिप के दूसरे चरण पर सहमति बनाई है और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप भी लॉन्च किया है। साथियों, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विषय है। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने पर हम दोनों एकमत हैं। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि 20वीं सदी में बनाए गए ग्लोबल फोरम 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सहित अन्य मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। भारत और जर्मनी इस दिशा में सक्रिय रूप से सहयोग करते रहेंगे। साथियों, पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है। आज हमने स्किलिंग
और वोकेशनल एजुकेशन में मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय में भी समझौता संपन्न हुआ है, जिससे हमारे स्टूडेंट्स ड्यूअल डिग्री का लाभ उठा पाएंगे। भारत की युवा शक्ति जर्मनी की प्रगति और समृद्धि में योगदान दे रही है। हम जर्मनी द्वारा भारत के लिए जारी की गई स्किल लेबर स्ट्रेटजी का स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा टैलेंट पूल को जर्मनी के विकास में योगदान देने के बेहतर अवसर मिलेंगे। भारतीय टैलेंट की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में इस विश्वास के लिए मैं चांसलर सोल्ज का अभिनंदन करता हूं। एक्सलेंसी, आपकी भारत यात्रा से हमारी पार्टनरशिप को नई गति, ऊर्जा और उत्साह मिला है। मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टनरशिप में क्लैरिटी है और इसका भविष्य उज्जवल है। जर्मन भाषा में कहूं तो आलेस क्लार, आलेस गुट। बहुत बहुत धन्यवाद। दाके शोन। थैंक यू सर। मे आई नाउ रिक्वेस्ट हिज एक्सलेंसी मिस्टर ओलाफ शोल्ज, चांसलर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, टू गिव हिज रिमार्क्स टू द मीडिया। सेयर गेटर हेयर प्रीमियर मिनिस्टर, लीबर नरेंद्र मोदी, vielen Dank für den freundlichen Empfang hier in Neu-Delhi. Es ist längst zu einer guten Tradition geworden, dass wir beide uns mindestens einmal im Jahr treffen. We have a bilateral meeting at least once every year. All right, so the Prime Minister and the German Chancellor there in that joint statement. Let me go back to Ghazali. Ghazali, I had to interrupt you there. Go ahead. Also, some of the key takeaways from the joint statement. See, besides what the bilateral talks were held and MOUs were exchanged about skill development, about energy, AI, other emerging technologies for which India and Germany have a 50-year-old association, because that cooperation in this sector has been going on for the last multiple decades, and India and Germany are also celebrating 50 years of that cooperation when it comes to technology. Besides that, what Indian Prime Minister spoke from the forum is very important when it comes to UNSC's permanent seat or the role of United Nations when it comes to global conflict, that perhaps United Nations is itself not very capable of brokering peace between two wider conflicts which are going on, one in the Middle East which is on fire for more than a year, and then a much older conflict now, because perhaps it's been 3 years since Ukraine and Russia has been in conflict, and Germany and other Western nations have been supporting Ukraine. But when it comes to India's position, it has been very clear that there has been no other leader besides Mr. Modi in the Global South who has visited or met both the leaders, have repeatedly spoken about that solutions can't be found on war field, and as well as the dialogue and discussion is something which can bring a resolution to this entire conflict. And besides that, if you see, since morning there was a buzz that Germany has also increased the quota for Indians as far as the annual visa is concerned, from 20,000 to 90,000. That is a very significant step, considering the fact that how West has been talking about anti-immigration policies. But when it comes to India and considering the labor shortage in Germany, Germany is looking for those skilled laborers from India who can contribute in the sector of energy, in the sector of technology, engineering, medicine, and Indian workers are really valued over there who can contribute to Germany's economy as well. And these are certain issues which came under the discussions between the two leaders when Mr. Scholz and Prime Minister Modi exchanged MOUs. Further details of specific MOUs considering the sectors like defense, energy and AI will be released later. But Prime Minister made his point as far as the global conflict is considered in front of Mr. Scholz, whose country is supporting Ukraine in the war. But as far as India is concerned, its stand has been very clear that it always will provide or sort of initiate a peace initiative between the two countries, and that involves a very detailed framework, that at least India can bring those two leaders to the table, at least India can provide a platform for those warring nations or warring leaders who are fighting it out in the battlefield. So besides the bilateral talks, it is a very significant moment that India has also sort of outlined its own strategy when it comes to global conflict.